अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का सीन ये है कि आज हम बहुत ही ज़रूरी काम जा रहे हैं। काम वो है जो आपके उधर पहुंच के बताएंगे, क्योंकि अगर वो काम हो गया तो कोई आदमी बहुत खुश होगा, अगर ना हुआ तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा अपसेट होगा। तो जिसका काम है वो भी मेरे साथ है, और वो है फजल। फजल, मैं और अज़र जा रहे हैं एक ज़रूरी काम के लिए। काम बहुत ज़रूरी है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो फिर आई एम सॉरी, लेकिन हम अपनी ट्राई फुल करेंगे कि काम हो जाए। अभी नाश्ता हो गया और टाइम हो गया 8:30, अभी हम निकलने लगे हैं। अभी सफ़र कर दिया स्टार्ट। फजल साहब इस टाइम फुल फार्म में है, अज़र साहब उससे ज़्यादा फार्म में है, और मैं भी हल्की सी फार्म में हूँ। अभी जा रहे हैं, सफ़र करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कब तक पहुँच गए। अल्लाह खैर आफियत से लेके जाए। बोरिंग चीज़ वो होती है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आप धीमी धीमी रफ्तार में जा रहे हो। एक हमारा बंदा जो है वो तो सो गया, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, वो बोलता है मैं सोता हूँ फिर जागूंगा तो शायद हम पहुँच जाए। चलो तुम रेस्ट करो, अगर पहुँच गए तो तुम्हें जगा देंगे, वरना सोए रहो। जी, जलील होने के बाद, एक घंटा जलील होने के बाद पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। मैं आपको बता रहा था कि इसको क्या काम है। काम यह है कि इसने जाना पाकिस्तान, और इसका जो मैस यात्रा वैक्सीन की वो होती है डोज़, वो कंप्लीट नहीं है, उसके रिलेटेड थोड़ा काम था, इसलिए हॉस्पिटल में आया। तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल मिला यार, हमें पता नहीं था कि किधर है। ढूंढते ढूंढते घंटा लग गया, अभी पहुँचे हैं। अभी अंदर जाएगा और देखते हैं क्या सीन है आगे का। उम्मीद है कि यार इसका क्लियर हो जाए, क्योंकि इसने पाकिस्तान जाना है, और ये बहुत एक्साइटेड है, और साथ में परेशान भी है। हाँ। पता नहीं होगा कि नहीं, अगर ना हो तो फिर ये पाकिस्तान नहीं जा सकता। सो बेस्ट ऑफ लक यार, अगर तुम्हारा हो जाए तो बेहतर है। ये है जी, ये इसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगा, बहुत ही टाइम लगा, और अभी फाइनली हमें मिला। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या सीन है अंदर का। अगर ना थोड़ा क्लियर होया तो फिर नैना सी जी है। इसके भाई की शादी है तो इसलिए इसने जाना है पाकिस्तान। इसने भी बस एमरजेंसी में मूड बनाया, पहले इसका मूड नहीं था जाने का, लेकिन अभी कह रहा है मैंने जाना है। तो उसके लिए जो कोविड की दो डोज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इधर एक ऐप है मैस यात्रा, उसमें आपका डाटा होता है टोटल कोविड के रिलेटेड, तो इसका वो जो डाटा वो क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए उसको क्लियर करवाने के लिए इधर आए हैं। ऑफिसर तो सिक्योरिटी गार्ड बोलो, देखो वो सिक्योरिटी गार्ड में पूछने आगे ऐसी है। अभी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि जाना किधर है। तेरे मुसीब ही लगता है, बहुत ठंडा है। बड़े दुआ करो मिल जाए तो काम हो जाए यार। अस्पताल तो लभ लिया, पर अगों जाना कितने भी वो नहीं लग रहा। कोई नहीं, अरे सारा दिन तेरे ना ही है, हमें भूल तो नहीं जाओगे पाकिस्तान जाके। मेरे प्यार को तुम बुला तो न, वो सिक्योरिटी गार्ड को पूछने यार, सिक्योरिटी गार्ड ने पता नहीं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, वो बोलता है कि जिस दरवाजे से लोग अंदर गल याद रखी गेले में कॉल करने के लिए वाले तो कॉल चुकनी कर पाकिस्तान जाके पुल आए आस पार्टी चलना फिल्म तो लेनी को नहीं एक साडियां तू मेहनत वेला कितनी है तेरे पीछे एक महीना तेरी चल जानी एक दो महीने मोबाइल चल जाना दो तरह हूं तो उंज भी चल जाए हूं कोई मसला नहीं पाकिस्तान मोबाइल दा नहीं बंद हुंदा नहीं इंटरनेट मैं जानदा कि आस पार्टी कर वाले सिम बेच पा ला कोई गल नहीं महीना पैकेज करवाना पे तेन बैलेंस करा देंगे तो फिर खुश है बैलेंस भी करा देंगे तो सो थमाई जी तेन बैलेंस पड़ता रह करे बस जो तेन फोन करना है साढ़े फोन चुकना करना फोन चुकना करना साड़ी जी मेहनत है यदा मुल पाना जी कोई मैं पता है मेहनत दा साजे काम हो जाए सारा हो जाए इसको सेट ही आ इसको सेट हो जाएगा टेंशन ना यहां से वैक्सीन लगेगी इसको अभी पहले गया पूछने और उसका अपना टोकन लेगा तो उसके बाद उसको वो बुलाएंगे फिर अंदर जाएगा अभी वो पूछ रहे हैं शायद क्लियर हो जाए उम्मीद है अंदर बुला लिया उन्होंने तो यार इसका हो जाए तो बेहतर है क्योंकि इसके भाई की शादी है तो अभी ये प्रॉब्लम में है थोड़ी सी पहले कह रहा था मैंने ही जाना पाकिस्तान अभी बोलता है मैंने जाना है तो अभी इसका वो मसला निकला है चलो अल्लाह करे यार क्लियर हो जाए काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली हम पास हो चुके हैं अपने मिशन में तो इसकी अपॉइंटमेंट वो बोलते हैं कल आ जाएगी
या शाम को आ जाएगी, और अपॉइंटमेंट आने के बाद एक या दो दिन के बाद इसको वैक्सीन लग जाएगी और इसका जो वो क्लियर है मामला हो जाएगा, तब ये पाकिस्तान जा सकता है। हम खुश हैं? नहीं अजय, नहीं वैक्सीन लगी फिर कोई कह रहा है अभी मैं खुश नहीं हूँ, जब वैक्सीन क्लियर हो जाएगी तब खुश हो गए, लेकिन अभी 50-50 चांस है, उम्मीद है कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी। तो अभी चलते हैं और एक और काम है वो निपटाते हैं, फिर चलते हैं घर को। अब वैक्सीन का ये सिस्टम है कि इधर एक ऐप है महेश जैतरा, उधर आपकी जो डिटेल है वो आती है, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है वैक्सीन के रिलेटेड उसमें आता है। पहले आपकी उधर अपॉइंटमेंट आएगी, आपको वो बताएंगे कि आपने इस जगह पे जाना है, आपको इस टाइम वैक्सीन लगेगी, उधर हम जाएंगे तो जब हमारी वैक्सीन क्लियर हो जाएगी तो वो ऐप है उसमें आ जाएगा कि ये बंदा क्लियर है, इसकी डोज वगैरह क्लियर है। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है इधर के, आपको वो मैसेज आएगा, इधर वो ऐप है उसके ऊपर ही है जो भी आता है। तो एक इसकी क्लियर है और एक रहती है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी हमें यहाँ से डलवाना है पेट्रोल और मैं जा रहा हूँ काउंटर पे पैसे देने के लिए। यहाँ पर ये सिस्टम है कि आपने खुद ही पैसे देने हैं उधर जाके और ख़ुद ही पेट्रोल डालना है, आपकी सर्विस के लिए कोई आदमी नहीं होगा, आपने खुद ही पेट्रोल डालना है। आप देख रहे हैं कि अज़र जो है वो पेट्रोल डाल रहा है और मैं पैसे उधर दे के हूँ काउंटर में। ये चीज़ यार अच्छी है, इससे एक तो आप ख़ुद से अपना काम करेंगे और दूसरा ये है कि आपको किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मुझे पेट्रोल डाल के दो ये वो, ये अच्छी चीज़ है। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी यार, फिर सोचा क्यों ना घर जाके पहले खाना खाया जाए फिर काम कोई और किया जाए। बड़े मज़े के हमने रात को बनाए थे कद्दू और गोश्त, वो सालम पड़ा था उसके साथ खाना खाया, बहुत ही मज़ा आया। अभी घर पहुँचे हैं, सारा काम क्लियर करवा के उन्होंने बोला है कि आज नहीं तो कल आपकी वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी अपॉइंटमेंट, तो उम्मीद है कि कल तक आ जाए और वो अपनी अपॉइंटमेंट करवा के पाकिस्तान जा सके। तो थोड़ा सा और काम था, बैंक में गए थे, उसके बाद घर में आए, खाना पकाया, सब कुछ कर लिया। मेरा ख्याल टाइम हो गया दो का टाइम हो गया, तो अब नींद बहुत ज़्यादा आ चुकी है, दिल कर रहा है सोने को। अभी घर चलते हैं और जाके सोते हैं, तो फिर उठ के देखते हैं कि क्या सीन है। ओ तेरी, अभी हम लोग नीचे आए हैं तो बारिश तो बहुत तेज़ लगी है और हमें जाना है ग्रॉसरी शॉप पे, अब क्या करना पड़ेगा। बाघ करम अर्जुन बाघ, बारिश बहुत तेज़ है और हमें जाना है दुकान पे चावल लेने के लिए, क्योंकि तू इंडिया ड्यूटी पे जाना है, तो इसने बोला कि चावल खाएगा, मैंने चने बनाए हैं काले तो उसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है, जाना तो पड़ेगा। ए बच्चा पार्टी, शाबा शाबा कैरी हो। अल्लाह अल्लाह करके पहुंच चुके हैं जी दुकान पे, अभी देखते हैं क्या लेना है। हमें लेने हैं चावल, तो इसी लोग कर लेना है चावल। भैया चावल किधर है? चावल ये कितना हो गया? ठीक है प्लस ओके। अभी तो ईद को कोई चीज़ चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। ओ अंडे लेशिया में अंडे बहुत सस्ते हैं, आप जितने मर्जी खाओ, खुल के खाओ, आपके नुकसान है, आपको गर्मी लगेगी। भैया अस्सलाम वालेकुम करेगा? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया हम इनसे सामान लेते हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हमारे भैया। ओके भैया कितना हो गया? क्या क्या है जी? अंडे चावल। बहुत तेज़ बारिश थी यार, बहुत तेज़ बारिश थी, अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे हैं। अभी तो ईद पका रहा है अपने चावल और मैं करता हूँ रेस्ट, तो मेरा ख्याल इस वीडियो को करना चाहिए यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम के साथ। अल्लाह हाफिज़।